सोलन में यातायात को दुरुस्त करने के लिए यातायात पुलिस लगातार कार्य कर रही है। लोगों को नियमानुसार वाहन चलाने के लिए आग्रह भी किया जा रहा है और नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नाके लगाए जाते हैं, जो नियमों की पालना करते नहीं पाया जाता है पहले उसे चेतावनी दी जाती है और अगर वह फिर भी नियमों की पालना करते नहीं पाया जाता है तो उसका चालान भी काटा जाता है। ये जानकारी यातायात प्रभारी कमल कुमार ने दी। यातायात प्रभारी कमल कुमार ने बताया कि सोलन शहर में यातायात नियमों की उल्लंघना ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजकल कार की सीट बेल्ट को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति सीट बेल्ट नहीं लगाता तो उसका चालान काट कर उसे भविष्य में सीट बेल्ट लगाने के निर्देश दिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि रोज करीबन 50 चालान सीट बेल्ट के किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और यातायात नियमों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। सीट बेल्ट के लिए हम हर व्हीकल को चेक कर रहे हैं, जिसके पास सीट बेल्ट नहीं होती उसका चालान करते हैं और आगे के लिए भी उनको बताते हैं कि सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। और हमारे करीब 60-70 चालान जो है ना पर डे सीट बेल्ट के हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे अन्य हेड है तो उसमें भी चालान होते हैं, कोई विदाउट डीएल है, विदाउट हेलमेट है, यूजिंग मोबाइल फ़ोन है, हाँ जी रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, तो उसमें भी हमारे भिन्न भिन्न धाराओं के तहत जो है ना चालान होते हैं। और सरकार द्वारा समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार लोगों को अवगत कराया जाता है और उनको पालना के लिए जो है ना सचेत किया जाता है। जनता से हमारी यही अपील रहेगी कि वो पुलिस का सहयोग करें और अगर किसी भी चीज़ के बारे में उनको हमारे से कोई राय लेना वो उचित समझें तो हम हर समय उपलब्ध होते हैं। किसी बारे में कोई पूछना चाहे किसी डॉक्यूमेंट के बारे में या किसी और चीज़ के कि भाई किस गाड़ी में कितने आदमी बैठ सकते हैं या सीट बेल्ट है और पिलन राइडर के लिए हेलमेट कंपलसरी है, तो समय समय पर हम अनाउंस भी करते हैं और अखबार के माध्यम से भी जो लोगों को जो है ना इस संदर्भ में जो है ना सूचित किया जाता है। और जब भी हम चेकिंग पर होते हैं पर डे हर बीट में हमारा आईओ लगे हैं, हर पॉइंट पर हमारा पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर है, तो वह भी उनको बताते हैं, सूचित करते हैं और लोगों का इस संदर्भ में हमें काफ़ी जो है ना पॉजिटिव जो है जवाब मिल रहा है।